हेलो फ्रेंड्स, ये है होंडा सिटी। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम। इसके अंदर जो सेल्फ से हम स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये इसका सेल्फ है, ये वाला इसका सेल्फ है, तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे। उससे पहले आपको बता दूँ क्या प्रॉब्लम हो रही थी। जब हम सेल्फ मार रहे थे तो खाली टक टक की आवाज़ आ रही थी, बाकी जो स्टार्टिंग मोटर हमारी वो नहीं घूम रही थी। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। ये वाला जो सेल्फ है सिर्फ होंडा की गाड़ियों में आता है, कुछ गाड़ियों में आता है ये होंडा की, और इसको रिपेयर करके हम बताएंगे कैसे इसको रिपेयर करते हैं और क्या प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। सब गाड़ियों में सेम प्रॉब्लम आती है कि सेल्फ मारने पे टक टक आवाज़ आती है, खाली सेल्फ मोटर नहीं घूमती है। तो उसके क्या प्रॉब्लम रहती है वो बताऊँगा और रिपेयर करके बताऊँगा आपको सेल्फ को। इसके अंदर जो आर्मीचर है वो उल्टा बैठा हुआ रहता है, दूसरे सेल्फों में सीधा बैठा हुआ रहता है, और रॉकअप प्लेट भी इसकी ये बीच में आती है। तो ये इसके आर्मीचर में इसका गियर भी रहता है, और ये हमारी रॉकअप प्लेट है जो बीच में आती है। इसके कार्बन भी हार्ड हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा ये कार्बन थोड़े इसके हार्ड हो गए हैं। बाकी इससे मेन प्रॉब्लम नहीं है हमारी स्टार्टिंग की, कार्बन की प्रॉब्लम तो है ही। जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये पॉइंट की प्रॉब्लम है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये पूरा टच होता है नीचे, जब जाके हमारा जो स्टार्टिंग मोटर है ये घूमती है, तो ये पॉइंट हमारा कट गया है। इसके वजह से हमारी स्टार्टिंग जो मोटर है सेल्फ वो हमारा घूमता नहीं है। तो रॉकअप प्लेट निकालने के लिए इसको मैंने निकाल लिया है, ये सिंपल आसानी से निकल जाती है, मैंने इसको निकाल लिया है। ये यहाँ पर बैठी रहती है इस तरीके से, इसको आप ऐसे हिलाना पड़ता है, थोड़ा हिला के आप इसको ऊपर के साइड खींचोगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। गियर में बैठी भी रहती है ये भी। तो अब इसकी रॉकअप प्लेट को अलग करना है, उसके लिए पीछे वाला गियर निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर बैठा हुआ रहता है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर बैठा हुआ रहता है ये गियर। तो इसको इस तरीके से निकालना है, खींच लोगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा, और इसका जो गियर है पीछे वाला बीच वाला ये भी बाहर आ जाएगा। रॉड रहती है, ये जो प्लास्टिक की जो रॉड दिख रही है रॉड के अंदर बैठा हुआ रहता है ये वाली रॉड। तो ये रॉकअप प्लेट हमारी पूरी अलग हो चुकी है, तो इसके अंदर हम रॉकअप प्लेट नहीं डालेंगे। ये नई रॉकअप प्लेट है इसकी, इसके अंदर पूरे पॉइंट वगैरह पूरा सिस्टम है इसमें। ये रॉकअप प्लेट है और ये इसकी रॉड है और ये इसके पॉइंट है, और लॉक भी है इसके अंदर और स्प्रिंग भी है इसके अंदर, पूरी कंप्लीट रॉकअप प्लेट है। अगर आपके पास ये रॉकअप प्लेट अवेलेबल ना हो, ना मिल पाए, तो आप इसको भी रिपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये वाली जो लॉक है ये लॉक निकालना पड़ेगी, किसी भी बारीक चीज़ से, सुई से या बारीक चीज़ से इस लॉक को उचकाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। ज़्यादा ताकत लगाओगे तो ये जो प्लास्टिक की रॉड है ये टूट जाएगी, ये टूट गई तो फिर आपको रॉकअप प्लेट डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। लॉक निकालने के बाद क्या करना है आपको, लॉक निकालने के बाद जो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको निकालना है। ये इस पर इस तरीके से ये मुंह नीचे रहता है और ये मुंह ऊपर रहता है, तो ये वाला जो साइड है ये कट जाता है, पूरा घिसा जाता है ये। तो ये इस तरीके से लगा हुआ रहता है, तो इसको आपको निकाल के और इस तरीके से आपको पलटा के लगा देना है। ये आप लगा दोगे पलटा के तो आपका काम, ये वाली जो रोड है इसको पलटा के लगाना है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन परमानेंट वाला काम नहीं होगा। इसके लिए आपको रॉकअप प्लेट डालना पड़ेगी, लेकिन टेम्पररी आपका काम हो जाएगा इससे भी। तो अब इसकी रॉकअप प्लेट हम चेंज करेंगे पूरा, फिर फिटिंग करेंगे सेल्फ को। अब इसकी रॉकअप प्लेट फिटिंग करेंगे नई वाली। तो हमको सबसे पहले ये गियर लेना है और इसमें हमको बिठाना है जो ये वाला जो मुँह है वो यहाँ पर बैठेगा इस तरीके से। इसको बिठाने के बाद हमको इसमें रॉड बिठाना है, रॉड का जो आगे वाला मुंह है उसको हमको सीधा बिठाना है इस तरीके से। उसके बाद जो हमने ये लॉक निकाली थी इसको ऐसी कैसी हमको सीधा बिठा देना है, जहाँ पर इसकी पोजीशन आती है वैसी बिठाना है इसको। तो हमारी ये रॉकअप प्लेट यहाँ पर पूरी फिटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ये वाला पॉइंट लगाएंगे, ये जो इस साइड से ऐसा लगेगा प्लेन वाला हिस्सा ऊपर आएगा और ये वाला हिस्सा नीचे आएगा। तो इसको सबसे पहला लगा देना है,
ये लगाने के बाद स्प्रिंग लगाना है, ये वाली स्प्रिंग लगेगी इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर आएगी लास्ट में इसकी लॉक आएगी। ये वाली जो लॉक है, ये वाली लॉक आएगी, ये लॉक आसानी से नहीं बैठती है, इसको हमको कुछ भी इसके ऊपर सीलू रख के इसको हमको पंच करना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, जब जाके लॉक हमारी बैठेगी। सीलू हमारा पूरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, दो पूरी पत्ती पर बैठ जाए, फिर जाके हमारी जो है ये लॉक होएगी। तो जो इसकी लॉक है वो लॉक बैठ चुकी है, पूरे राइट साइड में एक ग्वाला रहता है उसके अंदर बैठती है, तो पूरी प्रॉपर बैठ चुकी है ये। अब इसका आर्मेचर लगाना है, आर्मेचर लगाने के बाद जो ये वाली जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमको दबाना है अंदर के साइड में आर्मेचर बिठाने के बाद। अभी कार्बन इसके लूज़ है, ये लूज़ दिख रहा है आपको, स्प्रिंग लगने के बाद ये टाइट होंगे, पहले आर्मेचर बिठाना पड़ेगा उसके बाद हम स्प्रिंग को अंदर करेंगे। आर्मेचर बिठाने के बाद अब इसकी मैग्नेट बॉडी बिठाएंगे, यहाँ पर आएगी ये, इस तरीके से बैठेगी, तो इसके लिए हमको आर्मेचर को लॉक करना पड़ेगा ताकि आर्मेचर ऊपर ना आए। तो मैं इस तरीके से इसको दबा के रखूँगा आर्मेचर को, और इस बॉडी को बिठाऊँगा ताकि आर्मेचर हमारा बाहर ना आए, वरना रोका प्लेट के कार्बन वगैरह सब निकल जाएंगे। तो ये बैठ गया हमारा, अब पूरा इसको फिटिंग करेंगे। तो ये सेल्फ हमारा हो चुका है कंप्लीट, अब इसको गाड़ी में फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद इसको चेक करेंगे फिर। तो सेल्फ इसका हो चुका है फिटिंग, आगे के साइड में यहाँ पर लगा हुआ रहता है ये, यहाँ पर दो बोल्ट पर कसा हुआ रहता है ये, वायरिंग भी इसकी वहीं पर रहती है। तो अब चेक करेंगे इसको सेल्फ से स्टार्ट करके, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो ये हमारी हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बाहर से भी आपको दिखाता हूँ सेल्फ मार के स्टार्ट करके। ये एक सेल्फ में हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, तो ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी सेल्फ में। अगर आपको नई रोका प्लेट ना मिले तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर होगा तो मैं आपको रोका प्लेट कोरियर करवा दूंगा।